सलमान खान को धमकी भरा ईमेल भेजने वाला आरोपी जोधपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने कहा था कि मूसेवाले की तरह ही होगा तेरा हाल। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान इन दिनों लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। एक तरफ उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म किसी का भाई किसी की जान रिलीज होने वाली है, वहीं दूसरी तरफ भाईजान को धमकी भरे ईमेल मिल रहे हैं। पिछले दिनों एक्टर को एक धमकी भरा ईमेल मिला था, जिसके बाद सलमान के करीबी दोस्त प्रशांत गुंजालकर ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में इस बारे में शिकायत दर्ज कराई। मामले को गंभीरता से लेते हुए मुंबई पुलिस ने एक्टर के घर के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। सलमान को दो दिन पहले एक धमकी भरा ईमेल आया था, जिसमें लिखा था कि तेरा हाल भी मूसेवाला जैसा होगा, जिसके बाद पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही थी। इस बीच पुलिस ने जोधपुर पुलिस के साथ मिलकर आरोपी धाकड़ राम बिश्नोई को जोधपुर से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए शख्स की कुख्यात लॉरेंस गैंग बिश्नोई से क्या कनेक्शन है, इसकी जांच भी होगी। यह राजस्थान पुलिस और मुंबई पुलिस का संयुक्त अभियान था। जोधपुर के लूनी थाने के SHO ईश्वर चंद पारीक ने कहा कि बांद्रा में मामला दर्ज होने के बाद जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि ईमेल जोधपुर से भेजा गया था। इसके बाद मुंबई पुलिस ने सारी जानकारी जोधपुर पुलिस को भेज दी। बाद जांच में पता लगा कि ईमेल जोधपुर के सियागो की ठाड़ी निवासी धाकड़ राम बिश्नोई ने भेजा था। मेल रोहित गर्ग नामक ID से भेजा गया था। 21 साल के राम को हिरासत में ले लिया गया और उसमें मुंबई लाया जाएगा। गौरतलब है कि गिरफ्तार किए गए राम बिश्नोई के खिलाफ पहले से ही आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने मारे गए पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले के पिता को एक ईमेल भी भेजा था और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी थी। सलमान खान को धमकी भरा ईमेल भेजने के आरोप में पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार और रोहित के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120B, 556 और 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।